प्रोड्यूसर को बोला पैसे ज़्यादा दो, घर नहीं मेरे पास, उसने घर दे दिया, तो फैमिली के साथ बच्चों के साथ दे दिया एक्स्ट्रा, मतलब उल्टा मुझे खर्चा करना होगा बच्चों के ऊपर। बचपन पता नहीं ये कैसे खिलौना है, ऐसे खिलौने से मैंने तो नहीं खेला कहीं बचपन में, लेकिन हाँ ये थोड़ा मेटाफोरिकली बताना चाह रहे हैं कि आर्यन आराध्या अब अलग हो चुके हैं और यहाँ पर एक बच्चा हमें ये बेचने की कोशिश कर रहा है और हम एक फ्लैश में चले आते हैं जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हमारे कितने बच्चे होंगे एंड ऑल दैट, तो फिर हम फ्लैश से वापस आते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं कि हम साथ नहीं हैं। आराध्या के लिए घर का जो साइज़ है परफेक्ट है, तो फिट होगी, तो इससे ज़्यादा खर्चा मत करो तुम लाइफ में, ये बेस्ट है तुम्हारे लिए। तुम्हें वैसे भी नया घर दूसरा आई एम श्योर खरीदना होगा, वैसे बहुत अमीर है ये, बहुत घर है इसके पास, पर फिर भी इसको एक और घर शायद ख़रीदना है। तो मैं बोलता हूँ कि इतने बड़े घर है तुम्हारे पास, अब एक छोटा घर खरीद लो, इसमें तुम फिट हो जाओ। अलग अलग पॉइंट्स को लेकर उसको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। एक पॉइंट ये है कि उसके पास बहुत बड़े घर है, तो बोलता एक छोटा घर भी खरीद लो कभी, तो पर कन्विंस नहीं हुई वो, सो बच्चे नहीं है उसके पास, मतलब बच्चे मिल जाएंगे तो बच्चे ले लो, कुत्ता भी मिल जाएगा, कुत्ता भी है इधर, तो ये है। तो अभी बच्चे तुम्हें रेडीमेड मतलब विदाउट एनी मेहनत डेली सोप कर रही है, टाइम नहीं होगा, बच्चा पैदा करो उसके बाद बच्चों को पालो, काम छोड़ना पड़ेगा, कैमरामैन भी हंस रहा है मुझे देख के। नहीं मतलब एक जनरली एक जो प्रॉब्लम होती है जो जनरली काम नहीं, करते नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगी अपने बच्चे पैदा करने का, तब तक एक रिप्लेसमेंट जो होती है हर चीज़ की, तो तब तक बच्चों को रख सकते हो, इसलिए खरीदो। इतने सारे बच्चे, एक दो तीन चार, क्योंकि तुम्हें वैसे भी इन बच्चों मतलब अपना बच्चा तो तुझे पैदा करना, तब तक तो बेचारों को थोड़ा खिला पिला दो, और पैकेज में कुत्ता है तो ले लो, घर फ्री दे दूंगा मैं। अच्छा चलो ये बच्चा भी मिल जाएगा, चाहिए बड़ा बच्चा है इसको, अभी बहुत क्यूट बच्चा है, इसने फोटो चाहिए। डिटो ये जो भी बोल रहा है, जैसे उसको बच्चे, इसको भी नहीं है, और पर मुद्दा है कि मैं बिना शादी के बच्चे पैदा करके क्या करूँगा, या बच्चे लेकर मैं क्या करूँगा, और इसके पास भी घर है बहुत अच्छा सा, वर्सोवा बीच पे, तो मैं इसको एक अच्छा सा, देख घर होना अलग होता है, किराए का घर होना अलग होता है, बहुत फर्क है इसमें। उसने घर मुझे दे दिया तो मैं उसको कैसे बेचूँ वापस, जब मैं एक बार प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मेरा रूल है कि मैं वो प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचती, तो इस वजह से मैं इसको रीसेल नहीं करूँगी, इसकी वैल्यू बढ़ने दूंगी ताउम्र जिंदगी भर। सॉरी द मोस्ट बोरिंग आंसर ऑन अर्थ, अरे बट सच्ची बात है, मैं प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मैं नहीं बेचती। हमारे बहुत सारे फ्लैशेज में सीन्स शूट हो रहे हैं, मैं जब भी एपिसोड पढ़ती हूँ, हमारा जो आने वाला एपिसोड होता है जो हमने नहीं शूट किया होता है उस वक्त के लिए, तो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हर एपिसोड में एक रोमांटिक सीन ना चाहते हुए भी घुसेड़ा जाता है, और हम वो शूट करते हैं ऑफकोर्स आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरे ख्याल से ये उन्हीं ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए है जो आर्यन आराध्या को रोमांस करते हुए देखना चाहते हैं, एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइड ऑफ ईच एपिसोड। देखो अभी राइटर्स को मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, अभी वो लोग लिख नहीं रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो मुझे निकाल देंगे, जो वो देंगे पेपर में वही मुझे करना पड़ेगा। सॉरी मैंने तोड़ दिया। अगर आपको रोमांस चाहिए तो टली मसाला कभी कभी आएगा, हम दोनों के कमरे में कभी कभी थोड़ा करके दिखा देंगे आपको, तो वैसा चलेगा तो भी मैं रेडी हूँ, अगर सना रेडी है तो ये मैं रख लूँ। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू।